जय हिंद फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंकित, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में, बताने जा रहा हूँ जो कि अल्कोहलिक संबंधित है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। शराब पीने की वजह से उनको जो लीवर में प्रॉब्लम आती है और क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं या आपकी जान पहचान में कोई शराब का सेवन कर रहा है, अगर उसको यह लक्षण आ रहे हैं तो आप यह दवा उसको जरूर दीजिएगा, जिस दवा के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। और बताऊँगा जो लीवर की गड़बड़ी आती है शराब का सेवन करने से, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उससे संबंधित जो भी दवाएं सबसे बेहतर हैं जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में आज आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात हम बात करते हैं चेरिडोनियम। चेरिडोनियम एक ऐसी हर्बल बेस्ड एक मेडिसिन है, इसकी तरह तरह की कंपनियां इस पेटेंट दवा बनाती हैं, लेकिन मैं आपको अगर इसकी सच बताऊं तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंदर चेरिडोनियम नाम का एक मदर टिंचर आता है। वह मदर टिंचर जो अल्कोहलिक हो, यानी जो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन किया हो, उसकी वजह से उसके पेट में गड़बड़ी आई हो, उसको भूख न लगता हो, उसको इनडाइजेशन यानी अपच की प्रॉब्लम हो, ऐसी अगर उसको शिकायत है तो उसको चेरिडोनियम कितना फायदा करता है और कैसे वर्क करता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा बताऊंगा। सबसे पहली बात, अगर कोई शराबी जब रेगुलर शराब लेने लगता है, अल्कोहल का सेवन करता है, तो जो लीवर का कार्य है मेटाबॉलिक, उस चीज़ को प्रभावित करता है अल्कोहल, तो उसका बिलिरुबिन लेवल बढ़ने लगता है। बिलिरुबिन एक तरीके का आप अवरोध कह सकते हैं लीवर का, जो हमारे एनर्जी देता है उसको रोकता है, और जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है जिस समय में होनी चाहिए उस समय में नहीं हो पाती है। अगर बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में बढ़ती है, आप जब टेस्ट करवाओगे लीवर LFT लीवर फंक्शन टेस्ट में, अगर उसकी मात्रा जब आपको ज़्यादा बढ़ी नजर आएगी, तो उस समय आपको न तो भूख लगेगी, न कोई कार्य करने का मन करेगा, ऐसा वीकनेस लगेगा, पूरे बॉडी में दर्द भी आपको लगेगा। जी हाँ, अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप चेरिडोनियम क्यू फॉर्म में, मैं फोटो लगा दे रहा हूँ, क्यू फॉर्म में आप 15-15 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप लें, आपके लिए बहुत बेहतर आपको रिजल्ट आएगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे पता करोगे। जी हाँ, उसके लिए आपको LFT टेस्ट करवाना होगा, उसके बाद में आपको उसकी वैल्यू आपको दिखाई देगी, आपको सही मालूम चलेगा। यदि आप इस आपके जानने वाला या जो भी अल्कोहलिक पेशेंट हो उसके लिए चेरिडोनियम, तो उसको सेवन करना ही करना चाहिए सुबह दोपहर 3 टाइम। अगर परेशानी ज़्यादा है तो उसको 4 बार भी उसको सेवन करना चाहिए 15-15 बूंद की खुराक में, कम से कम 4 बार सेवन करें। अब हम बात करें कितने दिनों तक इसका सेवन करना चाहिए। जी हाँ, इसका सेवन आपको कम से कम 3 से 6 महीने करना होता है। आपके लीवर में जो भी गड़बड़ी आएगी, लगभग 100% में 95%। अब हम बात करेंगे चेरिडोनियम आपको कहाँ से परचेस करना चाहिए। आप ये नज़दीकी किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसको परचेस कर सकते हैं। 30 ml की फाइल आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलेगी, नियर अबाउट 100 रुपये के अंदर ही आपको मिल जाता है, और ये दवा आपको कम से कम 15 से 20 दिन आराम से चलती है। अब हम बात करेंगे, अगर आप अल्कोहलिक नहीं हैं और आपको भूख न लगने की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन के बाद आपको कालमेघ का सिरप आपको कालमेघ का मदर टिंचर आपको 15 से 20 बूंद की खुराक में आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको लेना चाहिए। आपकी लीवर की जितनी भी समस्याएं होंगी लगभग ठीक हो जाएंगी। और अगर आपको लीवर संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं अपने प्रश्नों का सही जवाब। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।